केकेआर छोड़ आरसीबी नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे रिंकू सिंह। आखिरकार क्यों रिंकू सिंह मुंबई इंडियंस के लिए खेल सकते हैं, आइए जरा आपको इस वीडियो में समझाते हैं। और अगर आपको ये जानना है तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, आईपीएल के बाजार में अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह आ चुका है कि केकेआर क्या रिंकू सिंह को रिटेन करेगी या नहीं, या फिर यह भी हो सकता है कि केकेआर रिंकू सिंह को रिलीज कर दे। हालांकि सभी को पता है कि रिंकू सिंह ने थोड़े दिनों पहले आरसीबी की टीम में जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, पर बात यह है कि रिंकू सिंह ने मुंबई इंडियंस के एक बड़े खिलाड़ी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे लग तो रहा है कि रिंकू सिंह के मन में क्या यह तो नहीं है कि वो उस टीम के लिए खेलना चाहते हैं, यानी मुंबई इंडियंस के लिए खेलना चाहते हैं। अब रिंकू सिंह ने किस खिलाड़ी को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है वो भी आपको बता देते हैं, और क्यों रिंकू सिंह मुंबई इंडियंस की तरफ जा सकते हैं ये भी आपको जरा बता देते हैं। पहले बताते हैं कि रिंकू सिंह ने किसको लेके क्या कहा। अब नाम है मुंबई का राजा रोहित शर्मा। हालांकि बातें तो चल रही है कि मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा चले जाएंगे, पर ऐसा पक्का तो नहीं है। अंबानी जी तो पूरी पूरी ट्राई करेंगे रोहित शर्मा को रोकने की, है ना, क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ब्रांड है। अब रिंकू सिंह ने रोहित शर्मा को लेके क्या कहा ये जरा आपको बता देते हैं। रिंकू सिंह ने कहा, आई एंजॉयड बैटिंग अ लॉट विद रोहित भैया, ही इज वेरी चिल एंड ग्रेट पर्सन, वॉज हैविंग फन ड्यूरिंग द बैटिंग। उन्होंने ये बताया कि मैंने रोहित भैया के साथ बैटिंग करते हुए हमेशा बहुत इंजॉय किया है, वो बहुत चिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और साथ ही बोला कि बहुत मजा आता है उनके साथ बैटिंग करने में। लेकिन अगली जो बात कही वो एक बहुत बड़ी बात है। रिंकू सिंह ने रोहित शर्मा को लेके एक ऐसा बयान दे दिया जहां से आप समझ सकते हैं कि भैया रिंकू सिंह रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन बहुत पसंद करते हैं। रिंकू सिंह ने कहा, रोहित शर्मा इज माय फेवरेट कैप्टन। अब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा तो नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह को रोहित शर्मा के साथ खेलना, उनकी वो जोड़ी, उनका वो दोनों का जो जिस हिसाब से बैटिंग पेयर है वो बहुत जबरदस्त है, रिंकू सिंह को बहुत पसंद आता है रोहित शर्मा के साथ खेलना। हालांकि रिंकू सिंह ने विराट कोहली की भी तारीफें बहुत बार की हैं, और इवन उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि मैं आरसीबी के लिए खेलना चाहता हूं, अगर केकेआर मुझे रिटेन नहीं करती वो एक अलग बात है। पर अगर यहां पर सबसे बड़ी बात है कि भैया आरसीबी में नहीं आते रिंकू सिंह, तो मुंबई इंडियंस भी उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, और मुंबई इंडियंस के लिए भी एक तगड़ा फिनिशर वहां पर शामिल हो सकता है। सोचिए आप मुंबई इंडियंस की टीम क्या हो जाएगी अगर मुंबई इंडियंस की हम टीम देखें, जो उनकी चार इंडियन रिटेंशन हो सकती है क्लियर, वो तो रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या, और उसके साथ साथ अगर ये रिंकू सिंह भी ले आए तो मुंबई इंडियंस को हरा कौन सकता है, ये बड़ी समझने वाली बात हो जाएगी। पर क्या आपको भी लगता है कि रिंकू सिंह मुंबई इंडियंस में जा सकते हैं या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।